बात जब भी बेंगलुरु की कामयाबी या फिर नाकामी की होगी तो स्वाभाविक सा है सबसे बड़े किरदार के तौर पर कोहली का ही नाम जहन में आता है। कि आखिर क्या वजह है कि विराट कोहली ने इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम किया, उसके बावजूद भी जीतना तो दूर की बात है, फाइनल्स में भी नहीं पहुंच पा रही थी। अब देखिए, छूट तो इस पिच पर किसी भी बल्लेबाज को नहीं मिली, क्योंकि मैच में एक भी अर्धशतक नहीं लग सका। कुछ तो है, कुछ तो पनौती है। इतने बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े चेहरे, किंग के तो पूरा भारत या विदेश मेहमान भी फिदा रहते हैं। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज भारत एट नाइन में बात होगी आईपीएल की। जी हाँ, उस ऐसी टीम की जिसे पनौती नाम दिया जा रहा है। विराट का कद, यशस्वी का यश, और कहीं ना कहीं कहा जाए कि कार्तिक की बल्लेबाजी, कार्तिक की फील्डिंग, कार्तिक की बॉलिंग, ये कुछ भी काम नहीं आ रहा है। वीडियो वायरल हो रहे हैं, मायूसी छाई हुई है ड्रेसिंग रूम से। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही ट्रेंड कर रही है कि आखिर क्या वजह है कि विराट कोहली ने इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम किया, उसके बावजूद भी जीतना तो दूर की बात है, फाइनल्स में भी नहीं पहुंच पा रही है टीम। 2016 की बात है और 2016 की ही तरह एक बार फिर से ऑरेंज कैप विराट कोहली के ही नाम है। लेकिन उस वक्त विराट कोहली के बल्ले से अकेले दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को फाइनल तक की राह तय करवाई गई थी और ट्रॉफी जीतने से सिर्फ 8 रन दूर रह गए थे। लेकिन 2024 में ट्रॉफी जीतना तो दूर की बात है, कोहली और उनके साथी फाइनल में भी नहीं पहुंच पाए हैं। कहते हैं ना कि उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, लेकिन जब सूरज डूब रहा होता है तो शायद किसी को परवाह नहीं होती। पहले 8 मैचों में से 1 मैच जीतने के बाद जिस टीम को सभी ने खत्म मान लिया था, उसके लिए अगले 6 मैच जीतकर प्लेऑफ की रेस में आना ही एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। लेकिन जो कोहली को जानते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि क्वालिफायर 2 में नहीं पहुंचने की बात ने इस पूर्व कप्तान को काफी मायूस किया होगा। उम्मीदों का टूटना, इसे महज संयोग कह ले या फिर एक अजीब सा संयोग कि कोहली की टीम आईपीएल में हर साल उम्मीदें तो बहुत जगाती हैं, लेकिन अंत में होता वही है, उम्मीदों का टूटना। वही राजस्थान रॉयल्स के लिए देखा जाए तो ये मैच उनके लिए मौजूदा आईपीएल में बेंगलुरु के मुकाबले बिल्कुल उल्टा सफर था। पहले 9 मैचों में से 1 मैच हारने वाली संजू सैमसन की टीम के लिए टॉप 2 टीमों में पहुंचना औपचारिकता माना जा रहा था, लेकिन बस उसके बाद लगातार 4 मैच हारना हो या फिर आखिरी मैच का बारिश से धुलना, ऐसा लगा कि रॉयल्स के कैंपेन को ग्रहण लग चुका था। लेकिन अहम नॉकआउट वाले मुकाबले में राजस्थान ने ज़्यादातर मौक़ों पर दबाव बनाए रखा। इसकी शुरुआत हुई न्यूजीलैंड के मास्टर स्विंग गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की सदी हुई गेंदबाजी स्पेल से। पहले 3 ओवर में सिर्फ 6 रन देकर विरोधी कप्तान ड्रू पैलेसी का विकेट झटकने वाले बोल्ट को किस्मत का साथ मिला होता तो शायद 2-3 कामयाबी उन्हें और मिल जाती। अगर बोल्ट ने 4 ओवर में 16 रन देकर एक विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया तो निर्णायक मुकाबले में आर अश्विन ने अपने अनुभव का कमाल दिखाया। अश्विन ने 4 ओवर की गेंदबाजी में जबरदस्त दबाव बनाते हुए कैमरून ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल की कीमती वोट झटक लिए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 19 रन खर्च किया और इसलिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिल गया। मौजूदा आईपीएल में अब तक अश्विन एक गेंदबाज के तौर पर बहुत प्रभावशाली नहीं दिखे थे, लेकिन जिस अंदाज में उन्हें अपने खेल का स्तर बेहतर किया उसे बात साफ हो गई है कि क्यों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी अश्विन की दावेदारी की बात कर रहे थे। बोल्ट अश्विन की सदी हुई और किफायती गेंदबाजी के सामने 4 ओवर में तेज गेंदबाज आवेश खान का 44 रन देना थोड़ा कम असरदार दिखा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रजत पाटीदार और दिनेश कार्तिक जैसे बल्लेबाजों को नाजुक समय में चलता किया, उससे कहीं ना कहीं बेंगलुरु के लिए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 20 रनों का नुकसान हुआ। इस बात को मैच हारने के बाद ड्रू प्लेसी ने माना कि उनके बल्लेबाजों को वो आज़ादी नहीं मिली। अब देखिए, छूट तो इस पिच पर किसी भी बल्लेबाज को नहीं मिली, क्योंकि मैच में एक भी अर्धशतक नहीं लग सका। एक बल्लेबाज जिसके लिए अर्धशतक लगाना एकदम औपचारिकता लग रहा था, वो 5 रन दूर रहते हुए ऐसे शॉट को खेलने का प्रयास कर बैठे जिसके बाद वो खुद को कोसते ही पवेलियन लौट गए।
युवा ओपनर यशस्वी, जिसका जिक्र मैंने किया। जयसवाल ने इस आईपीएल ने पूरे सीजन तो दबदबा नहीं बनाया, लेकिन जब जब वो अच्छी पारी खेले उनकी टीम को जीत मिली है। 30 गेंदों पर 45 रन बनाने वाले जयसवाल के बल्ले से भले ही मैच में एक भी छक्का नहीं लगा हो, लेकिन नियमित अंतराल पर लगने वाले 8 चौकों ने हमेशा रन रेट को काबू में ही रखा था। जी हाँ, और एक युवा खिलाड़ी रियान पराग ने 26 गेंदों पर 36 रन बनाए, तो शिमरन हेठमायर 14 गेंदों पर ताबड़तोड़ 26 रन। उनके कैरिबियाई साथी रॉबमैन पवेल ने 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर आरसीबी के लिए किसी भी तरह के चमत्कारी कमबैक की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये अलग बात है कि मोहम्मद सिराज ने आखिरी लम्हों में अपनी गेंदों से भरपूर जोर लगाया था कोहली का कद, क्योंकि वो मायूसियत उनके चेहरे पर नजर आई। सिराज ने 18वें ओवर में पराग और हेठमायर के विकेट को लेकर थोड़ी सी उम्मीद रॉयल्स के मन में जरूर जगा दी थी। एक तरह से देखा जाए तो दोनों टीमों के बल्लेबाजों को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच से थोड़ी शिकायत रही होगी। निश्चित तौर पर टॉस जीतकर जो लाभ रॉयल्स को मिला उसका असर मैच के नतीजों पर निश्चित तौर पर रहा। कहीं ना कहीं बेंगलुरु को इस बात का मलाल जरूर रहा होगा कि कोहली इस मैच में 3 चौके और 1 छक्के के बावजूद 24 गेंदों पर 33 रन ही बना पाए। बात जब भी बेंगलुरु की कामयाबी या फिर नाकामी की होगी तो स्वाभाविक सा है सबसे बड़े किरदार के तौर पर कोहली का ही नाम जहन में आता है। कोहली क्योंकि किंग है। कोहली भले ही आधिकारिक तौर पर इस टीम के कप्तान नहीं हो, लेकिन लीडर के तौर पर उनकी हस्ती ड्रेसिंग रूम में शो पैलेसी से ज्यादा ही होगी, कम नहीं। भारतीय क्रिकेट प्रेमी शायद इस बात से तसल्ली ले सकते हैं कि ना तो कोहली और ना ही रोहित शर्मा को आईपीएल में इस साल कामयाबी मिली, और ये दोनों खिलाड़ी अब अमेरिका के लिए 2 दिन बाद रवाना होंगे। हो सकता है एक हफ्ते का अतिरिक्त समय इन दोनों दिग्गजों को इस बात के लिए और भी प्रेरित करे कि अब कैरिबियन जमीन पर T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते तो क्रिकेट के फटाफट फॉर्मेट में एक साथ एक ट्रॉफी जीतने का ये आखिरी मौका है, सोचना पड़ेगा। देखिए, बीते बुधवार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला गया। इस मुकाबले में 4 विकेट की हार के साथ ही आरसीबी आईपीएल 2024 में ट्रॉफी जीतने की रेस से बाहर हो गई। बता दें कि पहला मौका नहीं है जब बेंगलुरु की टीम प्लेऑफ में आने के बावजूद ट्रॉफी जीतने का स्वाद नहीं चख पाई हो। यहां तक कि आरसीबी 3 बार फाइनल में जा चुकी है, लेकिन आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी अब भी इस टीम की पकड़ से बाहर है। तो पनौती नहीं है तो और क्या है। खैर, यहां उन 3 मौकों के बारे में जानते हैं जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एलिमिनेटर मैच में हार मिली। 2022 की बात है, ऐसा एकमात्र साल रहा जब आरसीबी ने एलिमिनेटर की चुनौती को पार किया था। 3 बार एलिमिनेटर मैच हार चुकी है आरसीबी। जी हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहली बार 2020 में एलिमिनेटरी मैच खेली थी। उस साल टीम की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद से हुई। बेंगलुरु ने पहले खेलते हुए 131 रन बना लिए थे, लेकिन SRH ने 2 गेंद शेष रहते 6 विकेट से इस मैच को जीत लिया था। इसी के साथ हैदराबाद क्वालिफायर 2 में जा पहुंची, लेकिन वहां टीम को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार मिली। उसे अगले साल आरसीबी के सामने एक बार फिर एलिमिनेटर मैच से गुजरने की चुनौती आ खड़ी हुई। इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत 2 बार आईपीएल चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से हुई। बेंगलुरु ने पहले खेलते हुए 138 रन बनाए, लेकिन KKR ने इस लक्ष्य को 4 विकेट से जीत लिया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि KKR एलिमिनेटरी में बेंगलुरु को हराने के बाद ट्रॉफी जीतने का स्वाद नहीं चख पाई थी। अब 2024 की बात कर लेते हैं, जो बेंगलुरु की वापसी की दास्तां संघर्ष से भरी रही। एक समय आरसीबी लीग स्टेज में 8 में से 7 मैच हार गई थी, लेकिन टीम ने लगातार 6 जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई। इस बार एलिमिनेटरी में विराट कोहली एंड कंपनी को राजस्थान रॉयल्स से हराना था, मगर इस बार टीम 4 विकेट की हार के साथ ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। एक हैरत अंगेज तथ्य ये भी है कि अब तक जो भी टीम एलिमिनेटरी मैच में आरसीबी से भिड़ी है वो कभी आईपीएल चैंपियन नहीं बन सकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहली बार 2020 में एलिमिनेटरी मैच खेली थी। उस साल टीम की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद से थी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और वहां पर भी हार का सामना यहां पर आरसीबी को करना पड़ा था। ये कहा जा सकता है कि वाकई कुछ तो है, कुछ तो पनौती है। इतने बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े चेहरे, किंग पे तो पूरा भारत क्या विदेश मेहमान भी फिदा रहते हैं, उसके बावजूद भी जीत ना पाना मायूसी को दिखाता है। वो जो उनके चेहरे पर दर्द है वो भी दर्शा रहा है। खैर, अभी एक साल इंतज़ार कीजिए, हो सकता है अगले साल आरसीबी ज़रूर फाइनल में पहुँचे और चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करें। आज भारत @9 IPL के नाम रहा। कल पर लौटेंगे, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।